रावण की पूजा की जा रही है, शाम नूं रावण दहन किया जाएगा। इस तो इलावा मेले विच लगे झूले आने जाने वाले पुख्ता इंतजाम किए गए ने। उधर इस मामले संबंधी एडीसीपी रुपिंदर कौर ने कहा कि किसी भी किस्म की हुल्लड़बाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि यूनिफॉर्म दे नाल सिविल वर्दी विच भी पुलिस दे कर्मी होंगे। उन्होंने कहा कि जे किसी नूं शिकायत होवे तां ओ हेल्पलाइन नंबर दे जरिए संपर्क कर सकते ने। इस मौके रुपिंदर कौर सरा एडीसीपी लुधियाना स्थानक लोकां ते दुशहरा कमेटी प्रधान ने की कहा, आओ जानते हाँ। हॉट न्यूज इंडिया टीवी दे लई लुधियाना तों रजिंदर अरोड़ा दी रिपोर्ट। हाँ जी सर, दुशहरा क्या नाम है जी? मेरा नाम रीना, साइंस मिस्ट्रेस हूँ मैं। यहाँ दुशहरा ग्राउंड में, हम देसी ग्राउंड में रावण को माथा टेकने आए। तो आज के दिन जो श्री राम जी ने जीत प्राप्त की थी, तो इस उपलक्ष्य में हम इनको माथा टेकने आए हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ लोग खुश हैं, सब देख रहे हैं। एक्चुअली मनाया क्यों जाता है दुशहरा? सर ये प्रतीक है कि बुराई की पे अच्छाई की जीत का, तो इसलिए हम ये दुशहरा जो है वो मनाते हैं। कितना रौनक है, कितना है, मजा कितना आ रहा है? हां जी सर, मजा कितना आ रहा है रौनक दे में? मजा सर बहुत है, गर्मी है थोड़ी, पर फिर भी अच्छा लग रहा है। कभी कभी निकलते हैं घर से तो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा जी आज दुशहरे के मेले में, देसी ग्राउंड में आके जी दुशहरा जो हमारे इस दिन श्री राम जी ने रावण जी पे विजय प्राप्त की थी, उसी का प्रतीक है, उसी के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। कहना चाहता हूँ जी, अच्छाई पे बुराई, बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा, तो हमें सब धर्म वालों को मिलके मनाना चाहिए। तुहाडा पवित्र त्यौहार है, इहदे लई बुराई ते विजय पाउण लई मनाया जाता है रावण। बुराई ते अच्छाई दी विजय, बुराई नूं खतम करन लई अच्छाई ते विजय पाई जांदी है। राम जी रामचंद्र जी ने बुराई मिटाने वास्ते रावण का संहार किया, बुराई के उत्ते अच्छाई की विजय हुई सी, जिस करके दुशहरा मनाया जाता है। जय श्री राम। हाँ जी सर, शुभ नाम जी। सब तो पहले मैं दिनेश मरवाहा, श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड, रामलीला मैदान दरेसी तो। अज के इस पावन पवित्र त्यौहार विजयदशमी के उत्ते सारे शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई दिना, और यह आह्वान करदा कि इस धार्मिक स्थान पर आके, इस पवित्र स्थान श्री रामलीला मैदान च आके इस विजयदशमी के त्यौहार को आनंद मानिया जाए। सारे शहर वासियों को अपील है कि इत्थे आओ और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करो। इस मैदान के सैकड़े साल तो इस पर्व को मनाया जाता है, दशहरा उत्सव को। और अज का जो सिंहासन यात्रा है श्री ठाकुर द्वारा नौरिया तो शुरू हो के रूपा मिस्त्री शिवाला रोड चौड़ा बाजार होंदे हुए रामलीला मैदान पहुँचेगी। उस तो बाद एमपी साहब, एमएलए साहबान, सीपी साहब, डीसी मैडम सारे इस त्यौहार के शामिल हो के इस पवित्र त्यौहार को हर्षोल्लास नाल मनाते हैं, और अज भी बहुत सुंदर ढंग के नाल इस पर्व को मनाया जाएगा। असी बहुत थैंकफुल हैं लुधियाना के सीपी साहब, पुलिस प्रशासन का, कारपोरेशन का, जिन्होंने पूरी व्यवस्था साढ़े नाल इस त्यौहार को मनाने लिए साडा सहयोग कर रहे हैं। पूरी सिक्योरिटी उन्होंने सानू प्रोवाइड कराई हुई है, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप चलाने के लिए साढ़े नाल पूरा सहयोग कर रहे हैं। जिस तरह भी असं शहर वासियों को अपील करते हैं, जिस तरह पुलिस प्रशासन कह रहे हैं, वो उस गाइडलाइन को मानते हुए इस इतिहासिक मैदान के आ के प्रभु का आशीर्वाद मना प्राप्त करो। 20 फुट उच्चा रावण जिहड़ा बनाया गया लगता सब तो उच्चा पंजाब च, हमेशा तो ही कई सालों तो देखते आ रहे हैं। श्री रामलीला मैदान और श्री रामलीला कमेटी का ही रावण सब तो उच्चा होंदा है, इस बार भी यह 120 फुट का रावण ही सब तो उच्चा होएगा। लगता उत्साह लोगों से ज़्यादा अज बहुत है जी, हर साल प्रभु की कृपा होंदी है, जो भी इत्थे इस पावन त्यौहार के आके नतमस्तक होंदा है सारा साल प्रभु उत्ते अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और साढ़े भी इस वेले सारे शहर वासियों को अपील है कि हुम हुमा के इस पावन त्यौहार को मनाने के लिए झूलिया के बहुत सुंदर ढंग के नाल प्रबंध चालू है जी, और रोज़ इन्हां दी फिजिकल चैकिंग होंदी है, मेला प्रबंधक पूरे ढंग के नाल इस चला रहे हैं। जिस तरह की पुलिस प्रशासन वालों सानू गाइडलाइन दी जाती है, मेला कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने उस तरह फॉलो करते हुए मेले को चला रहे हैं। जय श्री राम जी। पुलिस वालों जी पुख्ता जिहड़े हैगे ने सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, जिदे च एंट्रीज गड्डियां दियां जिहड़ियां रिस्ट्रिक्टेड ने, इनिशियली पार्किंग्स आइडेंटिफाई की गई ने, सारी टेक्निक
ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ ਮੈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਗਸ਼ਤਾਂ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਫਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਝੂਲੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਚੈੱਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਫ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਊ ਕੀਤਾ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਮੈਮ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੇਜਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਦੀ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਿਬੜੇ ਚੜਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨੇ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਡਿਪਲੋਇਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਆ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ